हाय मिस, आज के मेरे लेक्चर है अबाउट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एंड टोटल फ्रीक्वेंसी। मीन्स जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है एंड टोटल फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, टोटल जो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, तो हमें पता ही है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये है कि सम ऑफ प्रीवियस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो पहले वाली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, प्लस करंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो प्रीवियस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी और जो करंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो सम होगा हम उसको मिला के करेंगे। कैसे, क्या होगा इसमें, हम करते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मेरे पास है डेटा और फ्रीक्वेंसी। ये हम कर रहे हैं फॉर अनग्रुप्ड। इसमें अनग्रुप्ड है, ग्रुप नहीं है। अब जब इस केस में हमारे पास डेटा है 2, फ्रीक्वेंसी है 3, डेटा है 3, फ्रीक्वेंसी है 5, डेटा है मेरे पास 4, फ्रीक्वेंसी है 3, डेटा है 5, फ्रीक्वेंसी इज 6, एंड 6 इज द डेटा, एंड 2 एंड 7 एंड 1। अब इस टोटल को जब समिशन ऑफ एफ करेंगे, मीन्स इस सारे के सारे को, अब इस सारे के सारे को जब हम ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसीज को, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3, 5, 8 एंड 8 एंड 3 11, 11 एंड 9 20। सो एफ हमारे पास 20 आ गया। अब हमें नेक्स्ट इसमें क्या क्या चाहिए, देखें। एक तो हमें इसने कहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मींस ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है, ठीक है। सिंपल कम्युलेटिव नहीं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि इसकी और उसके बाद जो आएगा उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। जब हम इसको करते हैं, देखें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अभी हमने ऊपर किया था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब जो पहली क्लास है मेरे पास उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, सो 3 डिवाइडेड बाय टोटल। अब टोटल मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 20, 3 डिवाइडेड बाय 20। सिमिलरली दिस वन इज 5 डिवाइडेड बाय 20। अब दिस वन इज 3 डिवाइडेड बाय 20, दिस वन इज 6 डिवाइडेड बाय 20, 2 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 20। अब जब आप इन सबको डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास बन जाता है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 20 तो 0.15, इसको डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 20 तो 0.25, इसको करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 0.15, ये मेरे पास आ जाएगा 0.30। एक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेशन की हुई थी क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। एंड दिस वन इज 0.05। देखें, ये अभी ऊपर मैंने किया था, आप
इसकी जगह इसको साइड पे लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये 0.15 आएगा। तो डायरेक्ट आप 0.15 इसमें लिख सकते हैं, लाजमी नहीं आप इस तरह लिख के करें, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया है। देखिए हर ग्रुप का ना ये है तो 7 3 है, 5 है तो 5/20 है, 3/20 है, 6/20 है, 2/20 है, 1/20 है। अब 20 इज टोटल फ्रीक्वेंसी, देखिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये है इसका फार्मूला। अब कम्युलेटिव में जाएं, रिलेटिव का कम्युलेटिव निकालना है, इसका कम्युलेटिव नहीं निकालना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका कम्युलेटिव। अब कम्युलेटिव का क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ही चला जाएगा, कम्युलेटिव में ऐसा ही होता है ना। आप उसके बाद क्या करना है, इसको उठा के इधर दूसरे के लिए ले आना है, इधर प्लस ये दूसरे की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है। तो ये जब ऐड करोगे तो 0.40 बन जाएगा। अब तीसरे के लिए क्या करना है, अच्छा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने ऐसे लाइंस नहीं लगानी है वहाँ पे, ओके 0.40 प्लस 0.15। सी मैं कम्युलेटिव का रिलेटिव का कम्युलेटिव निकाल रहा हूँ, ना कि फ्रीक्वेंसी का। अब ये ना हो कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, वो फ्रीक्वेंसी का हम कम्युलेटिव निकालते थे तो वो अलग था, ये अलग है। अब फ्रीक्वेंसी का जो कम्युलेटिव निकालने की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा 0.40 प्लस 0.15, जब हम पॉइंट फोर ये बन जाएगा 0.55 सो 0.55 प्लस 0.30 दैट विल बी इक्वल टू 0.85। अब 0.85 अच्छा अब आ गया 0.85 प्लस 0.1 0.95 प्लस 0.05 दिस विल बी इक्वल टू 1 अब यहाँ पे भी ये जो चीज़ है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये आप साइड पे कहीं पे कैलकुलेशन करके 0.15 प्लस 0.25 ये क्या होता है डायरेक्ट इधर उठा के लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो अब हर एक ग्रुप की मेरे पास देखें डेटा था 2, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 3, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.15 और इसकी कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 0.15, 3 की 5, इसकी 0.25 एंड 0.40, इसकी 3 है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.15 एंड 0.55, ये है 6 इसकी डेटा की, ये डेटा है इसके 6 फ्रीक्वेंसी है 0.30 0.85, इसके 2 है इसके साथ ये और इसके साथ ये। तो इस तरह से इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। अब मैं जल्दी से एक क्वेश्चन कर देता हूँ ग्रुप में भी, ग्रुप वाला डेटा लेके के वो कैसे करते हैं। अब ग्रुप डेटा में मेरे पास है द हाइट ऑफ 100 सॉकर प्लेयर द रिजल्ट इज, ये कहता है कि एग्जांपल है कि वी सैंपल हाइट ऑफ 100 सॉकर प्लेयर्स, उन्होंने किया है जी, उसका तो रिजल्ट उसका क्या आया है वो हमारे पास टेबल में रिजल्ट है। कहता है फाइंड करें रिलेटिव एंड कम्युलेटिव रिलेटिव, ये हमने फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। तो मैं लिख लेता हूँ जल्दी से इसका डेटा, हाइट इन इंचेस। अब हाइट इन इंचेस हमारे पास और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। अब हाइट उसने दी हुई है 59.95 टू 61.95, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। उसके बाद है 61.95 टू 63.95, 2 के गैप के साथ हमें सारी की सारी उसने ये डेटा दिया हुआ है, ये है 3, 63.95 2 के गैप के साथ तो 65.95 आ जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी है 15, 65.95 और हमारे पास आ जाता है 67.95 और इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 40।
अब 67.95 से 69.95, इसकी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 17. अब 69.95 टू आगे आ जाएगा मेरे पास 71.95 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 12. अब 71.95 से लेकर 73.95 आ जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 7. अब 73.95 अप टू 95.95 इसकी फ्रीक्वेंसी है 1. तो ये मेरे पास टोटल उसने डेटा दिया है. अब मुझे क्वेश्चन में उसने बोला है 100, तो डैट मीन्स जो मेरे पास टोटल सबमिशन ऑफ एफ है, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये आएगा 100, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स का डेटा है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल 100. अब इसकी कम्युलेटिव हमने निकालनी है, रिलेटिव पहले, फिर उसके बाद कम्युलेटिव रिलेटिव. पहले हम इसकी निकालेंगे रिलेटिव, फिर उसके बाद कम्युलेटिव रिलेटिव. अब जब हम इसकी रिलेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें फ्रीक्वेंसी को ले लें बस, और कुछ नहीं करना है. 5/100, 5/100 तो बनेगा 0.05, 3/100 0.03, 15/100 0.15, 40/100 0.4, ओके, एंड 17/100 0.17, 12/100 0.12, 7/100 0.07 और 1/100 0.01. ठीक हो गया. देखें जो टू डिजिट आते हैं उसमें पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, जो सिंगल डिजिट है तो उसमें एक ज़ीरो आ जाएगा, बस दैट्स इट. अब ये तो मेरे पास आ गई इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं निकालता हूँ इसकी, कम्युलेटिव रिलेटिव. तो कम्युलेटिव रिलेटिव क्या होएगा, पहले का पहला सेम इट इज़ 0.05, दूसरे का क्या होगा. अब दूसरे के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह करता हूँ कि साइड पर करके, ये बल्कि इसमें ही करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो. 0.05 प्लस 0.03 0.08. अब बेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ तो पहला आपको पता है, तो जब जब मैं बोलता जाऊँ आप मेरी साउंड सुने और साथ में लिखते जाएं अपने पास, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से. एंड दैट इज़ 0.08 प्लस 0.15 0.23. इसका क्या होगा, 0.23 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.63. इसका होगा 0.63 प्लस 0.17 इज इक्वल टू 0.80 प्लस 0.12 दैट विल बी इक्वल टू 0.92. अब इसका क्या होगा, 0.92 प्लस 0.07 0.99 प्लस 0.01 या 1.0 व्हाटएवर पॉइंट के बाद जीरो जितने मर्जी लगाओ फर्क नहीं पड़ता. तो ये था मेरे पास क्वेश्चन जो के था अबाउट कम्युलेटिव और रिलेटिव एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सी बात है, जो जो भी ग्रुप हो, मैंने दोनों एग्जांपल्स आपके सामने की हैं और दोनों एग्जांपल्स में ये एक ही चीज़ है कि जो ग्रुप है यहाँ पे ये है, ये है, तो इसकी और टोटल, ये और टोटल, ये और टोटल, ये और टोटल, इसको रिपीट करना है. तो यहाँ पे मेरे पास 5 था, 5/100, 100 इज़ टोटल फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये है टोटल फ्रीक्वेंसी. 3/100, 15/100, 40/100, 17/100, सी 12/100, 7/100, दिस वन. कम्युलेटिव इज़ ऑलवेज पहले 5, फिर 3, फिर 8, फिर उसके बाद ऐड हो जाता है. जो मैंने फार्मूला लिखा था ना, देखिए प्रीवियस फ्रीक्वेंसी एंड करंट वन ग्रुप, करंट दिस वन इज प्रीवियस,
And this one is current group, the same group. Previous, same group. Previous, same group. Previous, same group. So cumulative इसी तरह से ही होता है. जो previous group होता है वो और same group का. तो ये था आज का मेरा topic about cumulative और relative cumulative frequency और relative frequency.